हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। लेकिन आज के व्लॉग फ़नी नहीं होने वाला, तो इस वजह से फ़नी नहीं होने वाला कि ये आप देख सकते हैं कि इसराइली जो लोग हैं वो फ़लस्तीन में क्या हाल किया हुआ है, वहाँ के लोगों को शहीद कर रहे हैं। तो आज हम व्लॉग इस हिसाब से बना रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ, जैसे कि हम फ़लस्तीनी लोगों के लिए डोनेशन जमा कर रहे हैं और वो डोनेशन हम फैज़ान मदीना में जाके देंगे, क्योंकि वहाँ से लोग जा रहे हैं फ़लस्तीन, वहाँ के लोगों को खाना देने के लिए, ब्लैंकेट वगैरह और बहुत चीज़ें देने के लिए। तो आज मेरे साथ ना हारिस है ना अरमान है, क्योंकि आज मेरे साथ मेरा एक कज़न है, वो भी व्लॉगर है, इबाद व्लॉग 007। और इबाद भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। और भाई सब ठीक? और आप व्लॉगर हो भाई, हमने सुना है। जी बिल्कुल। चैनल का नाम बता दें अपने। तो आज हम कहाँ पे जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं डोनेशन जमा करने, क्योंकि फ़लस्तीन पे कितना हमला हो रहा है और हम लोग खामोशी से बैठ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग सुकून से घर पर बैठे हुए, हम तो सुकून से, वहाँ पर कितना हमला हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ सोशल मीडिया में लोग स्टोरियाँ लगा रहे हैं, ये क्या है यार? वो भी कुछ नहीं कर सकते ना, तो सिर्फ लगा रहे हैं, कुछ करें भी कुछ, तो अगर जो हो सकता है। एक बात बता दूं, हमारे जो कराची के पाकिस्तान के लोग हैं ना, लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बॉर्डर खोल लें, सारी आवाम निकल के चली जाएगी। अच्छा, तो अभी हमने एक वो डब्बा बनाया हुआ है, तो डोनेशन करने पर चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर चलते हैं अभी, और अल्लाह करे कुछ जमा। आमीन। यहाँ पे इनके फैज़ान मदीना के डोनेशन सेल्स पे आए हैं, क्योंकि यहाँ से ना पैसे बाहर भी जाते हैं, आते भी हैं, और बाकी ज़कात वगैरह भी आप दे सकते हैं। तो ये कि हम डोनेशन तो जमा कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग सवालात करेंगे कि कहाँ पे जमा करें उस डोनेशन वगैरह को, तो ये बात भाई आगे बताएंगे। अरे वो कह रहे थे कि डोनेशन जो जमा होगी ना, वहाँ पर हमारी टीम मौजूद है, तो हम लोग वहाँ पर भिजवा देंगे, और हमारे कोई पेज बनी हुई है, वहाँ से ऐसे लेके आगे लगा देना, ठीक है? जिनको कोई मसला होगा, और इनका कोई बैंक अकाउंट है वो आगे आप लगा देना नंबर, ठीक है? बैंक अकाउंट स्क्रीनशॉट लेके लगा देना। बनाना अलाउ नहीं था, वो कह रहे थे कि हम वीडियो बनाने नहीं देते, माशाल्लाह सारे मौलवी साहब हैं, तो इस वजह से नहीं बनाने देते। अभी चलते आगे, टाइम नहीं है, ठीक है आगे चलते। उनके हाथ में बॉक्स है, अभी डोनेशन जमा करने जा रहे हैं हुसैन भाई हमारे, अभी रिक्शे वाले के पास जा रहे हैं। जैनम मार्केट सदर हुसैन भाई, वहाँ पर तो इतना मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ लोग मना भी कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है माशाल्लाह। छोड़ दे।
वालेकुम जुनैद भाई, क्या हाल है? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, सेहत से भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ। करे अल्लाह का। हम डोनेशन कर रहे थे फलस्तीन वालों के लिए, फैजान मदीना वाले भिजवा रहे हैं ना उनके लिए चीज़ें, पैसे वगैरह। तो बेहतरीन हो गया यार, उनके वहाँ पर लोग भी है ना, तो हमने फायदा उठा देते हैं इसका। अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा करे, उनके लिए भी और हमारे लिए भी। आमीन। उनको ज़्यादा हमारी ज़रूरत है भाई, हमारी ज़रूरत है दुआओं की भी और वैसे भी भाई। बिल्कुल अच्छा होना चाहिए और सब अमन भाई। माशाल्लाह से हमने डोनेशन किया और माशाल्लाह ज़ैनब मार्केट में बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा डोनेशन दिया। हम माशाल्लाह से क्या बताएं आपको, अब इबाद भाई से पूछते हैं। इबाद भाई बताएं माशाल्लाह कितना अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर बहुत अच्छा डोनेशन दिया इन्होंने। और अभी चलते हैं रेक सेंटर, चलते हैं आपको वहीं पर मिलते हैं। चले जी इराक वाले थे, ये बोल रहे थे कोई उर्दू स्पीकिंग नहीं थे, कोई यहाँ के नहीं थे, बोल रहे थे कि जी बोल रहे थे मिस्री थे ये थे। माशाल्लाह से जा रहे बात भाई भाई अंदर की तरफ। तो फाइनली गाइस मैं घर पे पहुंच गए हूँ, हमने सारा डोनेशन वगैरह जितना भी हुआ था वहाँ पे दे दिया। तो अब लोग बोलेंगे कि आपने वीडियो क्यों बनाया, तो यार वीडियो हमने इसलिए बनाया क्योंकि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, सिर्फ हम नहीं। तो गाइस मैं ब्लॉग को यहीं पे ही एंड करता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि अरमान आरिस का वो काम में मसरूफ़ है, उसलिए उन्होंने बोला कि आप वीडियो बना लो, वो भी किसी एक अच्छे काम में मसरूफ़ हैं, कोई महफिल वगैरह हो रही है, तो इंशाल्लाह आगे जाके आपको महफिल की भी वीडियो दिखाएंगे। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहें, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी दबाएं।